गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राज नरवरे आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग 23 अगस्त 2017 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं और इस पेपर में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम सारे जीके और जीएस के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप अगर मेरे टेस्ट सीरीज को देखेंगे तो इसमें व्यापम अधिकतर क्वेश्चन को रिपीट कर रहता है, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या एसआई की कर रहे हो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि व्यापम अधिकतर क्वेश्चन रिपीट करता है। अगर हम आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो इस टेस्ट सीरीज से आप अप्रॉक्स 80-90% जीके कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये टेस्ट सीरीज डाल रहा हूँ ताकि सभी के लिए ये फ़ायदेमंद हो, कोई भी एग्ज़ाम हो व्यापम का इसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो क्वेश्चन आए हैं हम वो क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस क्वेश्चन से बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि होलकर शासन के संस्थापक खालिस्तान थे, मल्हार राव, बाणा मिश्र, बाजीराव या माधव पेशवा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, मल्हार राव होलकर जो थे होलकर शासन के संस्थापक थे। होलकर जो शासन था ये इंदौर पे इन्होंने शासन किया, होलकर शासन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि होलकर का जो शासन था वो कहाँ पर था, तो इंदौर में था। इसके साथ ही इसी होलकर से रिलेटेड अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो देखो, गुजरात का जो समुद्र तट है वो सबसे लंबा है। कहाँ का? गुजरात का समुद्र तट अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर के करीबन ये समुद्र तट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही हम गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है, ठीक है। गुजरात के अगर सीएम की अगर बात करें तो विजय रूपानी जी गुजरात के सीएम हैं, ठीक है। और मेन इम्पोर्टेंट अभी स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण किया गया है वो कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है, कहाँ पर? सरदार सरोवर बांध पर। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो अधिकतर बनते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी हैं, ठीक है। और मेन ये तो याद रखना है कि भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, तो वो है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान वाद्यंत्र से संबंधित थे, सितार, वीणा, तबला या सरोद। तो जो उस्ताद अमजद अली खान जो थे वो सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान में अगर बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनते ही है। यहाँ पर बना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में, इसके पहले भी टेस्ट में ये आ चुका है, मैं इसे भी बता चुका हूँ। तो 1955 में इसकी स्थापना की थी तथा 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और कि जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी लंबाई करीबन 940 किलोमीटर के करीबन इसकी लंबाई है। तो ये सभी फैक्ट आपको इससे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है, मंडीदीप, मालनपुर, मनेरी, पीतमपुर। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मनेरी जो जबलपुर के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन, महू, शाजीपुर, भोजपुर। तो सेकेंड ऑप्शन महू जो इंदौर के पास में है, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो केदारनाथ
कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में, और यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है कहाँ पे, केदारनाथ में। ये भी क्वेश्चन बनता है, केदारनाथ में भगवान शिव की, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और ये स्थल कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी, अगर बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कटनी, अमरकंटक, रेवा या भोपाल। तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, अमरकंटक में है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक से ही निकलती है। महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब खालिस्तान में है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो पिछले टेस्ट में भी मैं ये बता चुका हूँ कि महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, और इसका मुख्य हिस्सा छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति नजमा हेपतुल्ला, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो वेंकैया नायडू जी हैं, और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो रामनाथ कोविंद जी हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। ठीक है, इसके साथ यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, विनय मित्तल, अर्चना, ये पुराना है। अभी अगर यूपीएससी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो अरविंद सक्सेना जो हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। कौन? अरविंद सक्सेना। ठीक है, अरविंद सक्सेना जी जो हैं यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री कौन है, मेनका गांधी, उमा भारती, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण। तो अभी महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, उस टाइम मेनका गांधी थी, लेकिन अभी जो है स्मृति ईरानी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी परिष्करण रिफाइनरी कौन सी है, डिगबोई परिष्करण, IOC परिष्करण, मथुरा परिष्करणी और RIL परिष्करणी रिफाइनरी। तो जो सबसे पुरानी है वो है डिगबोई परिष्करणी रिफाइनरी, जो आसाम में है। कहाँ पे है? आसाम में है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो चुनाव संग्रहालय जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई, 1972, 1966, 1965 या 1960। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1965 में की थी, और इस उद्योगी इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है। कहाँ पे? भोपाल में है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर है, काठमांडू विश्वविद्यालय ने 2016 में खालिस्तान को एक मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स डीलिट उपाधि से पुरस्कृत किया गया। नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, करण सिंह, मनमोहन सिंह। तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी जी को डीलिट की उपाधि दी गई। कहाँ पे? काठमांडू विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, तो ये 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम टाइम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को खालिस्तान में पारित किया गया 2005, 2009, 2016 या 2013। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया, और इस अधिनियम का, इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को कम से कम दामों पर अच्छा अनाज उपलब्ध करा सके, यही इस एक्ट का मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो ये 2013 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला खालिस्तान राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, कांडला बंदरगाह जो है कहाँ पे है? गुजरात का है, और ये जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। अब इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कांस्टेबल के एग्जाम में साइंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। साइंस से क्वेश्चन कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेबर इंस्पेक्टर का अगर एग्जाम होता है तो उसमें भी पूछे जाते हैं, SI के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ साइंस के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जल
को अवशोषित करने की निम्न मात्रा होती है। ये जल को अवशोषित करके नहीं रखता है, इसीलिए नायलॉन का कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये आपने अधिकतर देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की दर का क्या होता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है। ऑप्शन है, तापमान प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पादकता एक समान रहती है, उत्पादकता बढ़ जाती है। तो उत्पादकता में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर जिसे कहा जाता है। उत्तल दर्पण जो हमें साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण का बना होता है। ठीक है, विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है, सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, सेल के बाहर सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर। तो कोई भी धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वह है कांच की सीट, बॉक्स के भीतर की काली कोटिंग, कुकर बॉक्स में बर्तन, समतल दर्पण का परावर्तक। तो जो ऊपर जो कांच की सीट होती है ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में उत्तरदायी होती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो जब प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पड़ती है तो कुछ मात्रा में प्रकाश का अवशोषण होता है, बाकी प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती हैं। तो ये जो अवशोषण होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या जलवाष्प द्वारा अवशोषण होता है, इसीलिए इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। अब बात अगर कांच की सीट से करें तो कांच की सीट प्रकाश को परावर्तित कर देती है और उस प्रकाश को गैस द्वारा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए कांच की सीट को ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, पौधे में एक प्रकाश का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है निम्न कहलाता है, विभज्योतक ऊतक, भरण ऊतक, त्वचीय ऊतक, संवहनीय ऊतक। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, विभज्योतक ऊतक उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी है, समसूत्रण, अर्धसूत्रण, सुधार या पाचन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, समसूत्रण इसके लिए सबसे सक्रिय प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुआं तालाब का समतल प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना निम्न का उदाहरण है, जनसंख्या, जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय। तो वह हम इन्वायरमेंट को बराबरी संतुलन में बनाए रखना पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। चल है कि एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है, अधिकेंद्र, दोष, मध्य बिंदु या आई। तो चक्रवात का जो केंद्र होता है उसमें कम दबाव होता है और उसे हम आई के नाम से जानते हैं। खरीफ की फसल को इससे भी संदर्भित किया जा सकता है, शीत ऋतु वाली फसलें, ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें, वर्षा ऋतु वाली फसलें या बसंत ऋतु वाली फसलें। तो खरीफ की फसलें जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु वाली फसलें भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तकनीक गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं इससे बचने के लिए, निम्न दाब, निम्न तापमान, उच्च तापमान और उच्च दाब। देखो, गोताखोर ये जितनी आप गहराई में जाओगे या जितनी आप ऊंचाई पे जाओगे दाब जो है बढ़ते जाता है, तो गोताखोर विशेष सूट उच्च दाब से बचने के लिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें गहराई में जाना होता है। ठीक है, टेडपोल इसका विकासशील चरण है, नाग, तितली, मछली या मेंढक। मेंढक टेडपोल जो है मेंढक का ही विकासशील चरण है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे, जीके के क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए तथा
किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो वो भी आप कमेंट्स करके बताइए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देख सकें। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।